गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फंडलाइन बाय अनुज। तो दोस्तों आज मैं आपके मोस्ट रिसेंट जो कमेंट्स थे, जो आप बार बार आपके डाउट्स क्वेरी थी, उनके जवाब लेके Q&A का पार्ट 3 लेके आ चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, हर बृहस्पतिवार और संडे को हम Q&A लेके आते हैं। तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं किसी भी वीडियो के नीचे या कम्युनिटी के ऊपर कमेंट करके, उनका जवाब आपका सम्मिलित कर लिया जाएगा। जो भी आपका सवाल है उनका जवाब आपको दिया जाएगा Q&A के अगले पार्ट के अंदर, ठीक है। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हो सकता है आपका भी सवाल हो और उसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहला सवाल जो है वो पूछा है माही प्रजापति ने। माही प्रजापति पूछती है कि सर मेरा OBC सर्टिफिकेट 2017 का है, क्या मेरा उसके अंदर चल जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के अंदर? तो माही प्रजापति जी आपका बिल्कुल चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपना फिजिकल ध्यान से कीजिए। अगला है सक्सेस 2021 का कि मैं SC फीमेल हूं और मेरे 3 नंबर ज्यादा हैं। तो मैं सभी SC फीमेल से कहना चाहूंगा, अगर उनके नंबर 2-2.5-3 नंबर ऊपर हैं तो आप बिल्कुल अपने फिजिकल को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 99% है, ठीक है। अगर आपके 2-2.5-3 नंबर हैं, 4 नंबर ऊपर तो और अलग बात है, लेकिन 2 से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आप 101% अपनी तैयारी को इतनी अच्छी कीजिएगा कि आपको बस जॉब लेनी ही लेनी है, क्योंकि आपके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगला है अजय गुजर का। अजय गुजर कह रहे हैं सर मेरे गांव में 4 लड़के हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्लियर किया है, 2 महीने से रनिंग कर रहे हैं, फिर भी उनका टाइमिंग 7 मिनट तक ही आ रहा है, आप सही बता रहे हैं। तो ये वीडियो पे कमेंट आया जो मैंने कल डाला था एनालिसिस वाली, उसमें क्या हुआ, आप सबने एक जो डाटा था वो ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। एक तरह से टोटल पास आउट थे और मैंने उसको उसी को फिजिकल के साथ कैलकुलेट कर लिया। आप सभी का कंसंट्रेशन उस 1.83 के ऊपर है। अर्जुन की तरह मछली की आंख नहीं पकड़ने की, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि भैया 12% इस बार क्लियर करेंगे, पिछली बार किसने किया, पंगे में पड़े हुए हैं कि 6 लाख बच्चे थे, 1.83 क्लियर किया है, ठीक है। इतनी बात के पीछे पड़े, और यही सारा कारण है कि आप कंफ्यूज हो, आप अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे, आप अंदर से विचलित हो, क्योंकि आपको जो पकड़ने वाली चीजें है ना, डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें, आप उन्हें तो कैच कर रहे हो और जो आपके फायदे की चीजें उन्हें आप हटा देते हो। जैसे कि आपने 1.83 को पकड़ लिया लेकिन यह नहीं देखा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, भैया फिजिकल बहुत अच्छे से करो, क्योंकि इस बार चांसेस पूरे कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा 10-12 नंबर ऊपर नहीं जाएगी, वो तो भूल गए, 1.83 के पीछे पड़ गए कि भाई हमें ही सब कुछ ज्ञान है, हमें ही पता है कि 6 लाख बच्चों ने दिया, 14 दिया, भाई वो तो गूगल के ऊपर पूरा लिस्ट पड़ी है, कोई भी उठा के कर ले। ज्यादा ज्ञान अपना दिमाग उन चीजों की बजाय जो मेन चीज है वहां लगाओ, फिजिकल करो, इस बार 12% ही 13% ही सक्सेस रेट रहने वाला है। तो अपना फिजिकल अच्छे से करो, मेंटेन करो, किसी की बातों में मत आओ, आपकी जो कट ऑफ है वो मिनिमम रहने वाली है, 1-2 नंबर ऊपर अगर आपका हो जाता है तो ठीक है, बाकी वही नॉर्मल चलेगी आपकी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला कमेंट है मोहिनी मोदी का। मोहिनी मोदी कह रही है सर टेल मी अबाउट फिजिकल डेट। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कोई लोग बता रहे हैं कि अगस्त में होने वाला है, ठीक है। तो वही बात है कि भैया इसके ऊपर भी मेरी अभी एक वीडियो आ चुकी है पहले की, भ्रमित मत होइए, कुछ लोग नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, वो चाहेंगे कि आप अगस्त में बताएंगे, सितंबर में बताएंगे, अक्टूबर में बताएंगे, ताकि आप ढीले पड़ जाओ। अगर एक बात बताओ, 100 लोगों का एक फिजिकल हो रहा है और उन 100 लोगों के अंदर से अगर इस तरह की बातें सुन के 10 लोग भी हट गए तो भैया कंपटीशन 90 का बच गया, ठीक है, और 90 का कंपटीशन भी 100 के मुकाबले तो हल्का ही पड़ेगा। सो बात यह है भ्रमित मत हो, जुलाई के अंदर आपका होने की संभावना है, बाकी जून में देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं, बट अभी आपका 15 जुलाई के बाद की ही उम्मीद है, और क्योंकि नवंबर के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करवानी है हर हाल के अंदर, ठीक है। चलिए अगला है आपका रोकी का, ठीक है। रोकी कह रहे हैं क्या मेडिकल के बाद भी आपकी कोई लिस्ट लगेगी, मेरिट बनेगी? तो देखिए फिजिकल के बाद आपकी कट ऑफ की एक लिस्ट लगती है, लेकिन मेडिकल के बाद की अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, वो लग भी सकती है नहीं भी लग सकती, बट उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि उसके ऊपर कोई भी जानकारी नहीं है। अगला उदय गुप्ता कह रहे हैं सर सारी तैयारी खत्म हो गई है, पुलिस वाले डेली लड़ाई करते हैं अगर बाहर दिखते हैं तो। सेम चीज मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी, ठीक है, गांव के चुनिंदा कुछ लोग अगर फिजिकल कर रहे हैं तो क्या वो चुनिंदा लोग ही सारे फिजिकल की धुरी को घुमा देंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। शहरों में हालात खराब हैं, अब भी
अब भी जब भी डील दे दी गई है तब भी आपको सड़कों पर घूमने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि गैदरिंग नहीं की जा रही। अगर सारे लोग ही घूमने निकल जाएंगे, रनिंग करने निकल जाएंगे, फिर लॉकडाउन का, कोरोना से डिस्टेंस का क्या फायदा रह जाएगा। इसलिए अब तक भी वो रिस्ट्रिक्शंस है और 31 मई तक तो रहनी ही रहनी है। जून में क्या रहता है वो बात की बात है, बट अभी भी मोस्टली बच्चों का फिजिकल नहीं हो पा रहा है। चोरी छुपे एक आधे जो करते हैं वो चौड़ा सीना करके कह रहे हैं हम जा रहे हैं, तो भैया तुम्हारे जाने से पूरे जितने भी बच्चे पास हुए हैं सभी फिजिकल करने नहीं जा रहे, तो तुम जा रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन सभी जा रहे हैं ये सोचना आपकी गलती है। अगला गौरव शर्मा कह रहा है, ठीक है सर आप एक फाइनल के ऊपर कट ऑफ बना दीजिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो बिल्कुल एक फाइनल के ऊपर मैं कट ऑफ आपकी बना दूंगा, बाकी मैंने बनाई भी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं चैनल पे जाके। बाकी अभी आपका मई निकल जाता है, उसके बाद हम जून के अंदर एक बार लेके आएंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या नहीं, वो सारी चीज़ देखने के बाद, ठीक है। अगला कह रहा है प्रवीण इंगल, प्रवीण जी कह रहे हैं सर हाइट के मार्क्स हैं क्या? तो नहीं जी, हाइट के बिल्कुल भी मार्क्स नहीं है। अगर हाइट के मार्क्स होते तो 6 फुट वाले आदमी जो है, लड़के जो है, वो सबसे ज्यादा नंबर लेके जाते हैं, तो हाइट के आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। अगला कह रहे हैं सर 5 नंबर ज्यादा है, एससी से हैं, फिजिकल जारी है, क्या हो जाएगा? तो अगर आप एससी से हैं, 5 नंबर ऊपर हैं बलराम कबीर जी, तो आपका सिलेक्शन बलराम जी बिल्कुल हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस फिजिकल को जारी रखिए आप, ठीक है। अगला है प्रीति का, सर मैं जर्नल फीमेल हूँ, 3 नंबर ज्यादा है, चांस है क्या, प्लीज रिप्लाई। तो प्रीति, प्रीति का जो ये कमेंट है इसके रिप्लाई मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए, 3 नंबर आपके ऊपर है, आप तैयारी कीजिए, आपके 95 के करीब 94 के करीब आपके चांसेस हैं, और इतने चांसेस, इतना परसेंट बहुत होता है। अगर कोई, अगर मैं आपको कहूं कि आपके 90% चांसेस भी हैं तो भी आपको तैयारी बहुत अच्छी करना चाहिए, क्योंकि 90% बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर तो अगर हार्ट फेल हो जाता है और 1% चांस होता है तो जी जान लगा देते हैं, आपके तो 90% के करीब चांसेज हैं, तो आप भी अपनी जी जान लगा दीजिए। अगला है आपका किंग पिन द राज, वो कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में मेरे फादर का नाम जो है अशोक कुमार है, और वो गलती से जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाए हैं फिल किया था उनके अंदर अशोक लिख दिया, क्या कोई दिक्कत होगी? तो देखिए, आपने अशोक लिख दिया, अशोक कुमार आपका नाम है, तो इसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा। उसमें लिख दीजिए कि भाई अब मिसस्पेल्ट हो गया, मैं अशोक कुमार नहीं लगा पाया, अशोक लिख दिया, बट मेरा ओरिजिनली फादर का नेम यही है, और इसके प्रूफ में मैं अपनी 10th की या 12th की मार्कशीट भी लगा, ठीक है, इतना आपको काम करना है। इसके बाद है रोकी, रोकी वो कह रहे हैं सर गर्ल हूं और 50 नंबर ज्यादा, 50 नंबर हैं जर्नल से, क्या मेरा हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल आपका 50 में 2 नंबर ज्यादा हैं, तो आपके, मैं बता दूं, आपके 70% चांसेस हैं सिलेक्शन के, 70-75% आपके चांसेज हैं सिलेक्शन होने के, तो 75% है, 25% आपकी अलग चीज़ है, तो 75% के लिए आप बिल्कुल तैयारी कीजिएगा, 75% के लिए जी जान झोंक दीजिए, ताकि आपको वो 25% से आपको कुछ नहीं लेना देना, आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरे 25 जो मेरा 75% था उसकी वजह से मैं बाहर हो गई, ठीक है। सो वर्क हार्ड, फिजिकल अच्छे से कीजिए। चलिए अगला है आपका क्रिस का, सर 3.5 नंबर ज़्यादा है, क्या मेरे चांस है क्या? तो आपने मुझे कैटेगरी नहीं बताई क्रिस जी, आप पहले मुझे एक बार अपनी कैटेगरी बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करता हूं। उसके बाद है लव डिकोड्स, लव डिकोड्स कह रहे हैं सर एप्लीकेशन फॉर्म भी चाहिएगा क्या डीपी में? तो नहीं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं चाहिए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है तो आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके नहीं जाना है। इसके बाद है वंदना यादव, वंदना यादव कह रहे हैं सर 2016 वाली में पहले फिजिकल हुआ था। अरे भाई बिल्कुल सही बात है वंदना जी, 2016 में पहले फिजिकल हुआ था, मान ली आपकी बात, बट उसमें टाइम आपको 7 महीने के करीब मिल गया था, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे, वो कमेंट एक नहीं था मेरे पास, वो कह रहे थे सर उस समय बच्चे है ना तैयार नहीं थे, उस समय बच्चों के मन में ये था कि भाई टेस्ट बाद में होगा तो हल्के में ले लिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे पेपर पहले हो या फिजिकल पहले हो, हल्के में कोई नहीं लेता है। घर में खाने के लिए अनाज सबको चाहिए, जीने के लिए नौकरी पैसा सबको चाहिए, और जो मूर्ख लोग ये बात कह रहे हैं ना कि भाई वो हल्के में ले रहे थे इसलिए 15% कर पाए, तो आज के टाइम में भी, इस 21वीं सदी में भी, और इस टाइम में, इस बेरोजगारी के हालात में भी, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो ये बात सोच रहा है कि वो बच्चा जिसको जॉब चाहिए थी वो ढीला बैठा था क्योंकि उसको जॉब नहीं चाहिए दिल्ली की, वो घूमने गया था।
क्या बात कर रहे हो आप। आज भी अगर आप ये बात सोच के बैठे हो ना, तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो, ठीक है। क्योंकि ये कोई भी बच्चा, चाहे उसके एक नंबर ऊपर है, वो भी बिल्कुल ढीला नहीं पड़ेगा। तो ये मूर्खता भरी बातें जो आपके अंदर उठ रही है ना, इन्हें आप हटा दीजिए बिल्कुल अपने अंदर से। और पॉजिटिव ये है कि कोई भी आदमी, चाहे फिजिकल पहले हो चाहे बाद में हो, ढीला कोई नहीं पड़ता है। नौकरी सबको चाहिए, इज्जत की नौकरी सबको चाहिए, पैसे सबको चाहिए, पुलिस की नौकरी सबको चाहिए, डंडे की यारी सबको चाहिए। चाहे एक छोटे से उसको भी बोल दोगे ना, जिसके पॉइंट 5 नंबर ऊपर है, वो ऊपर के मन से तो आपको कहेगा कि भाई मैं फिजिकल नहीं करूंगा, लेकिन वो फिजिकल के ग्राउंड में सबसे आगे मिलेगा खड़ा हुआ, क्योंकि उसको भी जॉब चाहिए और उसके अंदर भी एक पॉजिटिव है, क्या पता तेरा हो जाए। सो ये मूर्खता भरी बातें बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि पहले हुआ था, बाद में हुआ था, आगे हुआ था, कुछ बच्चे कह रहे थे, ठीक है, जो हुआ था वो हुआ था, नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, बैक टू बैक करवाते हैं, सांस नहीं देते आपको कि भैया 2 घंटे घूम के आ जा, होटल में खाना खा के आ जा, फिर देर को करवाएंगे। इधर रनिंग कंप्लीट की, 2-4-5 मिनट के अंदर चलो लॉन्ग जंप, चलो हाई जंप, उस समय ऐसा हालत, चक्कर आ जाते हैं गर्मी के अंदर कि आपकी आंखों के अंदर काले पर्दे आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये 12-15% का आता है, ये कोई मजाक नहीं है कि 15% का रेट आ गया क्योंकि वो ढीले थे। चलिए अगला है अमित यादव। सर, मॉक टेस्ट में ग्रुप डी का इन्होंने सवाल पूछा है, 65 से 70 नंबर कभी आते हैं, ठीक है। अमित यादव, आपके ग्रुप डी के अंदर 65 से 70 नंबर आते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आपको बस ये क्या करना है, अब इस 70 से ऊपर लेके जाने आपको 71-72 तक, क्योंकि 70 तक तो आपके 65 आ रहे हैं ना हर मॉक टेस्ट में, तो 65 नंबर का काम तो आप पक्का कर चुके। वो 65 तो आप आधी रात में सोकर भी पेपर दे दोगे ना, तब भी आ जाएंगे। अब आपकी मेहनत है 10 नंबर और बढ़ाने, 75 तक लेके जाने हैं। आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप 75 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे, आकाश कह रहे हैं, सर SSC कैटेगरी में 8.9 मार्क्स ज्यादा है, ठीक है, क्या मुझे फिजिकल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लोगों की बातें सुन सुनकर मैं बिल्कुल नर्वस हूं। तो देखिए, जितनी बातें सुनोगे ना उतनी ही चीजें आप नर्वस होगे। बिल्कुल मत सुनो किसी की भी बातें, कान बंद कर लो, आपका सिलेक्शन 200% हो जाएगा। आप लिख लो लाइव वीडियो, आपके बोल रहा हूं कमेंट्स के अंदर लिख लो आकाश बोरिया का, जो आपका सिलेक्शन है वो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल नर्वस मत होइए फिजिकल के लिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनके खुद के तो पॉइंट 25 नंबर ऊपर है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, खुद की झोपड़ी जल गई तो दूसरों के घरों में आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें और अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। उसके बाद डार्क सायरी एंड स्टेटस कह रहे हैं, सर दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब तक आएगा? तो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है वो आपका जून मिड के बाद आने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद नितिन कह रहे हैं, भैया सितंबर में फिजिकल लिख कर ले लो। देखो, अब नितिन कुमार कह रहे हैं ना अगस्त ना जुलाई, सितंबर में है फिजिकल, लिख कर ले लो, ठीक है। तो जिन बच्चों ने लिख लिया है अपनी नोटबुक में कि सितंबर में है और हम अगस्त में थोड़ा मौसम ठंडा होने पे तैयारी कर लेंगे बरसात के बाद से, तो आपको मैं बता देता हूं कि आप भी इसी लिस्ट में अपना नाम लिख लीजिए और नाम के आगे कांटा लगा दीजिए, क्योंकि आपने अपने हाथ में आया हुआ खाना किसी और की थाली में परोस दिया है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। अगला है जीतू सिंह। जीतू सिंह कह रहे हैं, सर मैं अनरिजर्व से हूँ, 65 नंबर है, मेरे चांस कितने हैं? तो देखिए, आपके चांस 60-40% है, 60% होने के हैं, 40% नहीं होने के हैं। फिर भी मैं आपको यही कहूंगा, 60% कम नहीं होता। डॉक्टर 1% पे जी जान लगा देते हैं, आप तो 60% पे हो, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी कीजिए। आपके सिलेक्शन के चांसेस 60% है, 60% कम नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला है, SSC CPO Tier 2 के लिए विक्की ने पूछा है, सर SI दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म फोर्स का फिजिकल कब तक हो जाएगा? तो देखिए, अभी तो आपका अभी उसके ऊपर कोई भी डेट फिक्स नहीं है। दिल्ली पुलिस का फिजिकल हो जाता है, उसके बाद आपका CGL का पेपर हो जाता है, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा CPO के फिजिकल के लिए, ठीक है। अगला है प्रिया यादव, सर फिजिकल नून में करवाते हैं या इवनिंग मॉर्निंग में? तो आपका फिजिकल सुबह स्टार्ट होता है और दोपहर में 12-1 बजे तक वो आपको करवाते हैं, ठीक है। गर्मी का मौसम होगा इस बार, फिर भी आपका 12-12:30 तो बजने ही बजने हैं, मान के चलिए, जब सूरज बिल्कुल टॉप पर होगा। और अपनी और आज के टाइम में आप ये मत सोचो नून में ज्यादा गर्मी होती है, 10 बजे ही आप घर से बाहर नहीं निकल सकते जून जुलाई के महीने में, ठीक है। तो गर्मी का भी एक आपको बीच में एक आपकी हर्डल आएगी, एक बाधा आएगी गर्मी, वो गर्मी भी आपके बिल्कुल रोक के चलेगी, आपको बिल्कुल परेशान करेगी, इसलिए भी फिजिकल के चांसेस कुछ बच्चे कम कर पाएंगे, ये भी चांसेस हैं। सो बहुत सारे फैक्टर हैं, बट आप अपनी तैयारी कीजिए, आपको 12-12:30 तक तो आपका फिजिकल चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अगला है KM,
अनुराधा, के एम अनुराधा कह रही हैं दो नंबर ज्यादा है एससी फीमेल, दो नंबर ज्यादा है आपके, तैयारी करो, बिल्कुल आपका 90-10 का रेशियो है, 90% चांस है आपके सिलेक्शन होने के, आप बिल्कुल तैयारी करो, दिल जान लगा के करो, ठीक है। उसके बाद है अनूप जायसवाल, अनूप जायसवाल कह रहे हैं सर मेरे 74 नंबर है ओबीसी से, लेकिन मेरा कास्ट सर्टिफिकेट यूपी का है। तो देखिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट यूपी का है, ठीक है, ओबीसी का, तो आपको सेंटर का बनवाना चाहिए था, अगर नहीं बनवाया तो अब बनवा लो, ठीक है, अब बनवा के चले जाओ अपना, और बनवाने के बाद आपके नंबर तो अच्छे हैं या फिर आपको अनरिजर्व में काउंट करेंगे, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा, आपको वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या तो आप अनरिजर्व में फाइट करो या ओबीसी में, आपका दोनों में सिलेक्शन लिख कर ले लो, पक्का है, ठीक है। उसके बाद लोकेंद्र चौधरी, लोकेंद्र चौधरी कह रहे हैं सर 2017 में मैंने भी फिजिकल किया था, मेरे बैच में 100 में से 11 एब्सेंट थे, ठीक है, 100 में से 11 एब्सेंट थे, लोकेंद्र चौधरी कह रहे हैं, और 89 में से 17 ने ही फिजिकल क्लियर किया था। 2020 डीपी भर्ती में फिजिकल ओवरऑल 20% से कम ही होगा, क्लियर करेंगे, ठीक है। सो यही बात तो मैंने अपनी वीडियो में बताई है, पिछली बार भी यही हुआ था कि ये कह रहे हैं हल्के में ले लिया था, भाई हल्के में तो इस बार भी आप सभी ले रहे हो कि इस बार भी ये होगा वो होगा, हमसे ये नहीं हो रहा, घर में बैठे हो इस बार आप, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 10 दिन में तैयारी हो जाती है, 20 दिन में, जुनून होना चाहिए, जुनून होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुनून के साथ शरीर और पैरों में ताकत भी होनी चाहिए, अगर पैर टूट गया, मुड़ गया, सूज गया, नशे सूज गई, तो फिजिकल तो दूर की बात, बाथरूम तक भी नहीं जा पाओगे। सो अपनी हालात वही है, 12-13-14 हद से 15% से ज्यादा आपका फिजिकल रेट नहीं होगा, इस बार आप लिख कर ले लीजिए। सो कट ऑफ भी आपकी मिनिमम ही रहेगी, आपकी कुछ नंबर, एक आधा नंबर ऊपर जा सकती है कुछ डिले की वजह से, बाकी आपकी कट ऑफ भी वही रहेगी, कोई बहुत ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, साथ में ही आपके 15% के करीब ही आपके क्लियर कर पाएंगे, ये बिल्कुल 100% प्रूफ है। अगर आपने इसके ऊपर पूरा एनालिसिस नहीं देखा तो हमारी वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद के धरन कह रहे हैं फिजिकल कब तक होगा, तो फिजिकल फिलहाल 15 जुलाई के बाद तक की ही उम्मीद है आपकी, ठीक है। उसके बाद फन जोन कह रहे हैं, ठीक है, ईवीएस में 6 नंबर ज्यादा हैं लेकिन लोगों की बातें सुन सुनकर फिजिकल करने को मन नहीं कर रहा। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोगों की बातें हैं वो आप जितनी सुनोगे, जितनी ज्यादा आप लोगों की बातें सुनोगे, उतने ही ज्यादा आप परेशान हो जाओगे, उतने ही ज्यादा वो आपको गहरे गर्त में डाल देंगे, अंधेरे कुएं में डाल देंगे, अपना बेड़ा गर्क तो है ही, दूसरों का बेड़ा गर्क भी कर देंगे, तो बिल्कुल मत सुनो, खुद पर विश्वास रखो, फिजिकल की तैयारी करो और मेहनत से आप आगे आओ, क्योंकि 15% से ऊपर रेट नहीं आ रहा, अब आपके ऊपर है कि आप उस 15% की लिस्ट में आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, ठीक है। अगला है जसबीर सिंह, जसबीर सिंह कह रहे हैं सर मेरे 57 नंबर है, मेरा होगा क्या, नहीं होगा। तो देखिए आपका 57 नंबर है आपके एससी से है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उसके बाद खुशवा कह रहे हैं सर फिजिकल में कैसे मार्क्स मिलते हैं, तो फिजिकल के मार्क्स आपको मिलते हैं आपकी कैटेगरी में कितने लोग हैं, कितनों ने फिजिकल क्लियर किया, कितने नंबर वालों ने क्लियर किया, परफॉर्मेंस क्या रही है, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही आपके फिजिकल के मार्क्स आपको दिए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं कि भाई 60-70 के बीच में लोगों ने क्लियर किया और आपको 10 बच्चे ही चाहिए और आपके 50 ने किया, तो क्या कट ऑफ रखी जाए, कितनी रखी जाए, तो वो सारी चीज़ें, इन्हीं सारी आपकी परफॉर्मेंस, आपके बच्चे कितने थे, कितनों ने फिजिकल किया, कैसा किया, उसके ऊपर ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अगला है विकास यादव, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि आपका फिजिकल अगस्त में स्टार्ट होगा, तो देखिए और यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं तो आपको जुलाई 15 के बाद कह रहा हूं, बाकी जो होगा वो मैं आपको जून एंड के बाद बता दूंगा क्या होगा क्या नहीं, बट अभी जुलाई 15 ही आपकी डेट है, ठीक है। अगला प्रशांत गुर्जर, ठीक है, प्रशांत गुर्जर कह रहे हैं सर आर्मी के फिजिकल से भी हार्ड होता है दिल्ली पुलिस का फिजिकल, आर्मी में 1600 मीटर की रनिंग 4:50, 4:45 के बीच तक किया और फिर छुट्टी कर देते हैं, लेकिन यहां पर आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप सब कुछ करते हैं, ठीक है, बाकी जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं सभी अभी घर के अंदर कैद थे, ठीक है, तो आधे बच्चों को तो यही कंफर्म नहीं था कि हमारे मार्क्स इतने आएंगे, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फिर लॉकडाउन लग चुका है, उसके बाद किसी के कोरोना हो रखा है, कोई बीमार है, किसी के पैरों में दर्द है, तो इस बार का रेट है वो आप बता रहे उतना ही रहेगा, आपने एनालिसिस सही किया, तो बिल्कुल प्रशांत की बात बिल्कुल सही है जो आपका इन्होंने बात बताई है, ये टफ पड़ता है थोड़ा सा, कुछ गर्मी, कुछ आपको 3-3 चीजें क्लियर करनी होंगी, साथ में ही लॉकडाउन लग गया, तैयारी को पूरा टाइम नहीं मिल पाया, बहुत से फैक्टर हैं, तो इस बार आपका 15% के करीब ही आपका सिलेक्शन रेट रहने वाला है।
तो ये सारी चीजें थी आपके Q&A थे, इनके मैंने आपको स्टिक और सच्चे जवाब दिए हैं, बिल्कुल साफ साफ जवाब दिए हैं। कोई भी आपसे आपके ऐसी बातें नहीं बताई हैं जिससे आपको गुमराह किया जाए कि भाई आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा तो बताया गया है, नहीं होगा तो भी बताया गया है। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय।